सोलन में आज खुशी की बात यह है कि सोलन में भेजे गए 11 सैंपल सभी नेगेटिव पाए गए। इसमें कोरोना वायरस से मृत हुई महिला के सीधे संपर्क में आने वाले व्यक्ति भी शामिल थे। इसके अलावा नालागढ़ के कुछ और व्यक्ति भी इसमें शामिल थे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों घोषणा की थी कि जो भी व्यक्ति बाहर से आया है या तबलीगी जमात मरकज के लोग हैं वे खुद सामने आए, अन्यथा उस पर हत्या का मामला भी दर्ज किया जाएगा। जिसके चलते 19 लोग सामने आए थे और उन्होंने माना था कि वे दिल्ली गए थे लेकिन मरकज में नहीं गए थे, लेकिन जो लोग वहां से आए हैं उनके संपर्क में आए थे, इसलिए वे उन्हें बद्दी के इंडोर स्टेडियम में रखा गया है जहां उन्हें 14 दिन तक क्वारंटाइन पर रखा गया है। जिनके सैंपल लिए गए हैं और उनके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों की भी तलाश की जा रही है। उपायुक्त सोलन केसी चमन ने बताया कि ये खुशी की बात है कि 11 सैंपल लिए गए थे जो सभी नेगेटिव पाए गए। उन्होंने कहा कि जब जिला प्रशासन ने सख्ती की है तब 19 लोग खुद सामने आए हैं जिनके आवश्यक टेस्ट करवाए गए। उन्होंने बताया कि जो भी व्यक्ति इन लोगों के संपर्क में आए हैं उन्हें भी तलाश किया जा रहा है और उन्हें भी होम क्वारंटाइन पर रखा गया है। उन्होंने सोलन की जनता से अपील की कि वे अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें और बिना वजह बाहर ना निकलें। कल उसके बाद हमने कहा था, हमने जो राजा वली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के जो अध्यक्ष हैं उनके माध्यम से अपील की थी, हमने प्रेशर बिल्ड किया था, PA SP बद्दी वगैरह ने अनाउंसमेंट की, अपील की कि भाई ये है कि आप हम इनको काफ़ी साइकोलॉजिकल प्रेशर की, ये प्रावधान है कानून के, ये धाराएं रख सकती है, आप अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखो। तो ये सारी अपील के माध्यम से 19 लोग आए थे जिन्होंने ये एडमिट किया है कि वो वहाँ दिल्ली में तो निज़ामुद्दीन में नहीं गए थे लेकिन इनका जो वहाँ से जो लोग हैं उनके प्राइमरी और उसके कांटेक्ट में आए थे। हमने इनको उठा के एक क्वारंटाइन कर दिया गया है। ये हमने यहाँ पे BB&T का इंडोर स्टेडियम है उसमें इनको रख दिया गया है। आई हमारे कसौली में सैम्पलिंग फैसिलिटी है, टेस्टिंग फैसिलिटी है, तो टेस्टिंग के फैसिलिटी में 11 के 11 नेगेटिव पाए गए। ये लोग थे कि कुछ एक कुक था स्टील बॉडी गेस्ट हाउस का जो वहाँ पे रहा है वो भी नेगेटिव पाया गया। कुछ हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे जो थोड़े सिम्टोमेटिक हो गए थे वो सबकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, तो एक अच्छी खबर है।